हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये एक्सरसाइज इस प्रकार है। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। वह बड़ा न्यायी राजा था। वह बड़ा ही न्यायी राजा था। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। आप लोग नोट करते जाइए, हिंदी हम बोलते जा रहे हैं, लिखते भी जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। एक दिन कुछ लड़की एक गांव के निकट जंगल में खेल रहे थे। वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा। जो एक पत्थर से ढका हुआ था। उनमें से एक लड़का पत्थर पर बैठ गया। उसने अपने साथियों से कहा, मित्रों अब मैं विक्रमादित्य बन गया हूँ। तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास ले आओ। तुम लोग अपने
मुकदमे मेरे पास ले आओ। मैं न्याय करूंगा। मैं न्याय करूंगा। उसके निर्णय की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उसके निर्णय की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। प्रत्येक व्यक्ति उस लड़के के न्याय से संतुष्ट होता था। संतुष्ट होता था जब मिट्टी का वह ढेर खोदा गया। तो सचमुच वह राजा विक्रमादित्य का बैठने का स्थान था। तो सचमुच हुआ है राजा विक्रमादित्य के बैठने का स्थान था। अब आप देखिए इसको, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में करना है। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा और आप लोग नोट करते जाएंगे। इन एंशियंट टाइम अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड ओवर दिस कंट्री। वह बड़ा न्यायी राजा था। ही वाज ग्रेट जस्टिस किंग। वह भी लोग, आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। इवन टुडे द पीपल प्रेस हिज जस्टिस। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के निकट जंगल में खेल रहे थे। बट डे सम बॉयज नियर अ विलेज वर प्लेइंग इन द फॉरेस्ट। वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग नियर ए विलेज इन फॉरेस्ट। वहाँ उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा। देयर दे सा अ माउंड, माउंड माने मिट्टी का ढेर, जो एक पत्थर से ढका हुआ था। विच वाज कवर्ड विथ अ स्टोन। उनमें से एक लड़का पत्थर पर बैठ गया। वन ऑफ देम सेट ऑन द स्टोन। वन बॉय ऑफ देम सेट ऑन द स्टोन। उसने अपने साथियों से कहा। ही सेट टू हिज कंपेनियंस, मित्रों फ्रेंड, अब मैं विक्रमादित्य बन गया हूँ। नाउ आई एम विक्रमादित्य। तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास ले आओ। यू ब्रिंग योर केसेस टू मी। मैं न्याय करूँगा। आई विल डू जस्टिस।
उसके निर्णय की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। द न्यूज ऑफ हिज डिसीजन स्प्रेड फार एंड वाइड। प्रत्येक व्यक्ति उस लड़के के न्याय से संतुष्ट होता था। एवरी वन वॉज सेटिस्फाइड विथ द जजमेंट ऑफ द बॉय। Everyone was satisfied with the judgment of the boy. जब वह मिट्टी का ढेर खोदा गया, when the mound was discovered, तो सचमुच वह राजा विक्रमादित्य के बैठने का स्थान था। Really it was the sitting place of विक्रमादित्य। When the mound was discovered, कॉमा लगा देंगे तो के लिए, Really it was the sitting place of King विक्रमादित्य। तो इस प्रकार ये स्टोरी आपने अब हमने बता दी है और आपने कर ली है। जिन्होंने नहीं की हो एक बार फिर से सुन लीजिए। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज करता था। इन ओल्डन टाइम अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड ओवर दिस कंट्री। वह बड़ा न्यायी राजा था। ही वाज ग्रेट जस्टिस किंग। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। इवन टुडे पीपल प्रेस हिज जस्टिस। एक दिन कुछ लड़के गांव के निकट जंगल में खेल रहे थे। वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग नियर ए विलेज इन ए फॉरेस्ट। वहां उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा। देयर दे सा अ माउंड जो एक पत्थर से ढका हुआ था। विच वाज कवर्ड विथ अ स्टोन। उनमें से एक लड़का पत्थर पर जा बैठा। वन ऑफ देम ए बॉय सेट ऑन द स्टोन। उसने अपने साथियों से कहा। ही सेट टू हिज फ्रेंड्स, मित्रों अब मैं विक्रमादित्य बन गया हूँ। फ्रेंड्स नाउ आई एम विक्रमादित्य। तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास ले आओ। यू ब्रिंग योर केसेस टू मी। मैं न्याय करूँगा। आई विल डू जस्टिस। उसके निर्णय की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। द न्यूज ऑफ हिज जजमेंट स्प्रेड फार एंड वाइड। प्रत्येक व्यक्ति उस लड़के के न्याय से संतुष्ट होता था। एवरी वन वॉज सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द बॉय। जब वह मिट्टी का ढेर खोदा गया, व्हेन द माउंड वॉज डिस्कवर्ड, तो सचमुच वहाँ राजा विक्रमादित्य के बैठने का स्थान था। रियली इट वॉज द सिटिंग प्लेस ऑफ विक्रमादित्य। तो ये आपका स्टोरी पूरी हो गई और आप लोग घर पर रहकर के पढ़िए। मेरे चैनल एजुकेशन सब एजुकेशन कालबी को सब्सक्राइब करें और स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू।